सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो गाइस हमने आपको अभी तक बिहाई पे दो से तीन लेसन करा दिए थे, उनके क्वेश्चन आंसर भी डालते हैं अपने इस वाले के। तो कुछ बच्चों कमेंट ये भी आई थी कि भाई जो आपने जो स्टू और जोनसी वाला कराया था उसके क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं भेजे भी आपने। लेकिन 50-100 में से 75% बच्चों का ये था कि भाई बिहाइव की पहले वीडियो बनाओ, क्वेश्चन आंसर तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी टीचर ने भी हमारा पहला लेसन नहीं कराया है। इसलिए हम बिहाइव का ये जो पहला ही सेकंड टर्म का जो पहला लेसन पढ़ रहा है, तो हम वो एक स्टैंजा में लिखा है, नहीं एक पोयम है बहुत बड़ी, तो उसको समझ जाएंगे। तो गाइस पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं आपकी जानकारी के लिए। इसका इंट्रोडक्शन ये है, इसमें एक जो हमारे इस स्टोरी के राइटर हैं वो नॉर्थलैंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी बुक है और हम आज आपका एक मिनट। देखो ये वाला लेसन करेंगे, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम कैरी वाला। तो हाँ मैं एक चीज और लिखवा दूं यहाँ पे, राइटर जो है इनके वो है पोएम कैरी, ठीक है गाइस, आपके राइटर है। तो गाइस अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। समरी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, इसमें हमारे लॉर्ड भी हैं जो विदेश में पूजे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस स्टोरी में लिखा हुआ है पहले स्टैंजा में, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कहीं दूर नॉर्थलैंड के कहीं आसपास की जगह है, वहां की बता रहे, कहीं दूर एक नॉर्थलैंड है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन से ज्यादा जो टाइमिंग होती है वो नाइट की होती है, दिन से ज्यादा टाइमिंग नाइट की होती है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, मतलब ठंड पड़ती है ना तो नाइट और भी लॉन्ग हो जाती है, और भी बड़ी हो जाती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू, उसी कारण से वो सो नहीं पाते हैं। यानी इतनी बड़ी रात होती है कि अगर कोई हमारा सो भी गया, कोई स्लिप भी कर गया और स्लिप उसकी नींद पूरी होने के बाद तब वो जगता है तो भी देखता है तब भी नाइट होती है, तब भी आपको नाइट ही मिलती है। तो आगे हम ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फर्स्ट स्टैंजा आपको दोबारा से सुना दूं आपकी जानकारी के लिए, तो दोबारा देख लेते हैं। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep through. कहीं दूर Northland में, किसी Northland की आसपास की जगह है, उसकी बात करी हुई है। Where the hours of the day are few, जहाँ पर दिन से बड़ी रात होती है, and the nights are so long in winter, और जो रातें होती हैं, वो दिन से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, that they cannot sleep through. Winter में ठंडों के सीजन में ठंडी की वजह से लोग सो भी नहीं पाते, क्यों नहीं सो पाते, और अगर सो भी जाते हैं तो जिस टाइम जैसे वो सो गए और उसके बाद जैसे उठते हैं तो भी आप उसको नाइट मिलती है, तब भी रात हो रही होती है, इतनी बड़ी नाइट होती है। अब गाइस मूव करेंगे सेकंड स्टैंजा पे, where they harness the swift, where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows and the children took like bears cubs in their funny furry clothes, the winter clothes को कहते हैं, the funny furry clothes, तो इसकी हिंदी क्या है, where the, जब reindeer आते हैं तो अपने sleighs कहते हैं, एक ग्रुप होता है, ग्रुप किसका होता है, पकड़ने वाले जो धागे होते हैं जो कंट्रोल ऑपरेट करते हैं, जिससे किनको रेनडियर्स को, किनको बोलते हैं, रेनडियर्स को ऑपरेट करते हैं उन, वो ठंड में बर्फबारी में भी इतनी स्पीड में भागते हैं, एंड वहां के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे बियर्स कब इन कपड़ों को फरी क्लॉथ जो विंटर के यहाँ के मुताबिक जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर बैट्स के कब से लगते हैं। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टैंजा पे, तो मूव करने जाते पर हम देखेंगे अपना थर्ड स्टैंजा, लेट्स मूव ऑन द थर्ड स्टैंजा। तो गाइस आपने सेकंड तक देख लिया था, सेकंड स्टैंजा तक,
कि हमने पूरी स्टोरी सेकंड स्टैंजा तक मतलब हाँ हमने पढ़ ली थी पोयम, तो अब हम थर्ड स्टैंजा पर मूव करते हैं। थर्ड स्टैंजा ये कहता है दे टैलेंट, तो दे का मतलब यहाँ पर क्या है, एक मन में क्वेश्चन उठेगा, दे का मतलब है जो हमारे एल्डर जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमसे बड़े, इसका मीनिंग है देम यानी हम चिल्ड्रन। गाइस एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि लीजेंड का मतलब क्या होता है। लीजेंड का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो हमारे पूर्वजों से लेकर हम तक चली आ रही है, जो हमारे पैर पूर्वज ने हमें सुनाई उसे सुनाई होगी उसे सुनाई होगी, ऐसे बुक में छप गई और अब हम सुन रहे हैं, अब हमारे बच्चे सुनेंगे उनके बच्चे सुनेंगे इस तरह। अब हम स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो हमें क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, जो हमारे फोक कह रही है वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, ये स्टोरी आपको कुछ सिखाएंगी। तो स्टोरी क्या सिखाती है, फोर्थ स्टैंजा पर देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा कहते हैं वंस व्हेन, एक बार द गॉड सेंट पीटर, जो पीटर जो भगवान थे विदेश में मतलब यहाँ भी पूजे जाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जिनका साइन इस तरह का होता है प्लस टाइप का और पूछते हैं इनको धर्म के मुताबिक, बाकी पूछने वाले किसी को भी पूछते हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, पूरी दुनिया में अपने रिलीजियस आइडियाज को पूरे वर्ल्ड में सबको ज्ञान बांटते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही हैड यू नो, एक बार वो एक घर के सामने से जा रहे थे, उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत हंगरी हो गए थे, वो बहुत हंगरी हो गए थे, उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने एक आवाज सुनी कि अंदर एक कोई लड़की है जो केक बनाने में व्यस्त है, केक बना रही है। तभी उनको हमारे जो कौन थे, हमारे जो सेंट पीटर थे, ये बहुत भूखे थे, इन्हें भूख लगी लगने लगी थी और केक से इनकी भूख ऑल ओवर हो गई थी, केक से इनकी भूख ऑल ओवर हो गई थी। तो गाइस आपका थर्ड और फोर्थ स्टैंजा फिर से कंप्लीट हो गया है, तो अब हम मूव करेंगे फिफ्थ स्टैंजा पर कि आगे की स्टोरी क्या है। आगे की स्टोरी जानने के लिए मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट। तो गाइस आपने फोर्थ स्टैंजा तक स्टोरी सुन ली थी, अभी आपका लास्ट स्टैंजा मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इनके अंदर बहुत हार्ड हार्ड वर्ड थे, मेन मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने लिखवाए हैं। अब आगे की स्टोरी में स्पीक कर मतलब बोलूंगा, ओनली ओरली सुनाऊंगा, रिटर्न में नहीं सुनाऊंगा, रिटर्न में मैं ओनली हार्ड हार्ड वर्ड लिख दूंगा, जो हार्ड हार्ड पॉइंट्स हैं बता भी आपको सुना दूंगा। तो अभी जो जो लिखा है उससे सुन लीजिए, तो फिफ्थ स्टैंजा हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आगे सुनिए। वीडियो बहुत बड़ी बड़ी आप यूट्यूब पर जाकर देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी है, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन में एंड एक एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, इस तरह से आपको स्टोरी सुनाऊंगा। पीछे की आप स्टोरी सुन जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मूव करते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the yard where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Guys, तब हमारे पीटर है, पीटर वो तब थक जाते हैं, तो एक घर के सामने जाते हैं, कॉटेज होता है उसके डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, वहां पर ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, हाँ अर्थ का चक्कर मारने, किसका अर्थ का, वेयर है लिटिल, वहां पर एक छोटी टाइप की मतलब वुमन, मीडियम थी ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, 18 years 19 years इतनी कुछ होगी, उसमें लिखा नहीं है पक्का। वेयर लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग डैम ऑन द हार्ट, जो वो लड़की थी वो क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी अपने कॉटेज में अपनी स्टोर के लिए, और उनको कहाँ पका रही थी, हार्ट में। हार्ट कहते हैं गाइस चिमनी को, कहते हैं चिमनी होती है ना चिमनी, उस चिमनी के अंदर कुछ इस तरह का रखा रहता है, इस तरह का ब्रेकिंग फिगर ऐसे जाल जाल इसके ऊपर जैसे रख दो वो पक जाती है चीज। ठीक है गाइस अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ स्टैंजा पे। तो सिक्स्थ स्टैंजा क्या कहता है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हिज हर फ्रॉम हर स्टोर केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, जो हमारे पीटर है उनको बहुत भूख लगी होती है, पूरे वर्ल्ड में जो ज्ञान बांटते हैं वो भगवान, उनको भूख लगती है और वो उस लड़की से कहती है एक कन्या
है एक लड़की से एक कन्या या एक लड़की, क्या तुम अपने स्टोर में से मेरे को एक सिंगल पीस दे सकती हो? इनमें से एक दे सकती हो? एक दे सकती हो? अब हमारा आगे का स्टैंजा होता है जिसमें मैं लिखाई नहीं करूंगा, ओनली आपको सारे मेन पॉइंट बताऊंगा, मेन नहीं मतलब सुनाऊंगा पूरा मेन पॉइंट उसके लिखवाऊंगा, जो मेन वर्ड्स है जो हार्ड वर्ड्स है उनको लिखवाऊंगा। तो अगर मैं एक ही वर्ड एक ही पूरा लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगा, आप भी थक जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। आगे क्या होता है, तो वो लड़की पता कितनी लालची होती है, वो बोलती है नहीं मैं तुम्हें एक नहीं दे सकती, एक नहीं दे सकती। लेकिन फिर से लड़की सोचती है चलो एक बना ही दो इनके लिए, तो वो एक छोटा सा केक बनाती है, छोटा सा केक बनाती है। और फिर किसको पितृ को देने से पहले पता है वो क्या सोचती है, नहीं ये तो बड़ा केक है इससे भी छोटा बनाती हूँ। फिर वो एक और इससे भी छोटा केक बनाती है, इससे भी छोटा केक बनाती है, और फिर सोचती है पीटर को दे दो, इससे पहले फिर सोचती है ये तो ज्यादा ही होगा। अब इसके पीछे क्या रीजन था, ये भी बुक में दे रखा है आपके बिहाइव में, तो इसके पीछे ये रीजन था कि वो जो लड़की थी वो खुद से अपने स्टोर के केक्स खाती थी, तब खुद से अपने स्टोर के केक्स खाती थी तो उसको बहुत छोटे लगा करते थे, क्या लगते थे बहुत स्मॉल लगते थे, बहुत छोटे लगते थे, और किसी को अगर वो गिव करती थी देती थी तो उसे बहुत बड़े बड़े लगने लगते थे, इसके पीछे रीजन था। तभी पीटर को बहुत गुस्सा आता और वो भगवान के रूप में वहां आ जाते हैं और उसे बोलते हैं ए लड़की मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी वक्त एक चिड़िया बन जा। क्या बन जा? चिड़िया बन जा, इसी वक्त एक चिड़िया बन जा। उसी वक्त वो एक चिड़िया बन जाती है और अपनी ऊपर से चिमनी के ऊपर से निकल जाती है, चिमनी के ऊपर से निकल जाती है, यहां से निकलती है, यहां से निकल जाती है, कहां से? चिमनी में से। अब पीटर जो बहुत भूखे थे इसी प्रकार से उनको भूख लगती है और वो इसलिए श्राप देते हैं। अब जो चिड़िया होती है वो पेड़ के ऊपर, एक स्कूल के सामने एक पेड़ था उसके ऊपर बैठ जाती है, रोज वहीं बैठ जाती थी और कुछ बच्चे आते थे और उसको चिढ़ाते थे, मतलब उससे मजे लेते थे। चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती थी, अपने वक्त को याद करती थी, पुराने वक्त को। तो गाइस जो हमारे बूढ़े लोग थे नॉर्थ, कहाँ के? नॉर्थलैंड के, मतलब हम अपने मान सकते जो हमारे पूर्वज थे हमें स्टोरी सुनाते आते हैं, तो ये स्टोरी थी। तो आपकी ये जो है पोएम कंप्लीट हो चुकी है, कम्प्लीटली हो चुकी है इन शॉर्ट एंड फुल एक्सप्लेनेशन। तो जो मेन वर्ड है वो मैं एक बार देख लेता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक आपको एक दो हाँ, तो इसमें एक से दो ही वर्ड है, एक आपका स्लेव्स और दूसरा दूसरा क्या दूसरा वर्ड कौन सा हार्ट। इनका जो मीन है, इनका मीन गाइस ये है, स्लेव्स का जो धागे होते हैं, जो पट्टे होते हैं, हिंदी वालों को लिख दो, पट्टे का ग्रुप, पट्टों का ग्रुप या पट्टों का ग्रुप, जो कौन पकड़ते हैं हमारे सेंटा क्लॉज, हार्थ चिमनी जहां उसे बेक कर दी थी। तो गाइस ये हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के लिए मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है और जहां से मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो गाइस अब मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो अगली वीडियो जो आएगी अब आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर आधारित आएगी। आई थिंक अगर बच्चों के कमेंट के मुताबिक देखा जाए तो शायद से मेरे को अगली क्वेश्चन आंसर वीडियो, और अगर आपको अभी भी अगला कोई लेसन पढ़ना है, कोई मैथ्स में साइंस में कोई भी डाउट है, तो डाउट आप इसमें क्लेम कर सकते हो, मैं जल्दी से क्लेम करके दोबारा से जल्दी देखूंगा और आपका डाउट सेशन एक बार रख दूंगा। और गाइस जिन और जो पहले डलवाना चाहते हैं, क्या डलवाना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियो, कौन से सुअर जॉन्सी वाले लेसन की,
तो गाइस वो मैं डाल दूंगा। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं हो वीडियो को लाइक, और जिन्होंने शेयर नहीं हो शेयर करो। आज के लिए गुड बाय।